नमस्कार, मी सकाळचा बातमीदार संतोष शाळीग्राम। मी सध्या मेरठमध्ये भाजपच्या प्रचार कार्यालयामध्ये आहे। इथे आपल्याबरोबर आहे दिल्लीच्या दिल्ली प्रदेशाच्या उपाध्यक्ष महिला मोर्चाच्या प्रियाल भारद्वाज। आज इथे दक्षिणी मेरठचा प्रचार करण्यासाठी योगी आहे, शेजारी बिजनोर आहे, तिथे मोदींची सभा आहे सध्या, आणि ते झाल्यानंतर योगी आदित्यनाथ इथे येणार आहेत। त्यापूर्वी आपण थोडं मेरठमधलं जे काही राजकीय वातावरण आहे, राजकीय चित्र आहे, ते आपण समजून घेऊया। रियल जी, मेरठ में जो हम मैं सुबह से घूम रहा था, लोग ऐसा कह रहे हैं कि आएगी बीजेपी, लेकिन थोड़ा विरोध भी दिख रहा है, क्या आपको लगता है? संतोष जी, देखिए बहुत ही क्लियर कट हम विनिंग स्टेट में हैं और भाजपा ही अपनी सरकार बनाएगी। मेरठ जहां आप अभी खड़े हुए हैं, कैंट की विधानसभा की अगर मैं बात करूँ तो कैंट की पारंपरिक हमारी भाजपा की ये सीट रही है और यहाँ पे हमारे यहाँ जितने भी वोटर्स हैं, और अभी तो कल का जो स्टेटमेंट हमारे लिए गया है वो भी बहुत ही फेवरेबल स्टेटमेंट गया है, तो मुझे नहीं लगता ये तो क्लियर कट विनिंग पोजीशन वाली सीट है। सो मैं इसमें कोई भी दोमत नहीं देखती हूँ। जब से हमारी सरकार यहाँ आई है, योगी जी के राज्य में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा माफिया गैंग चलता था, जहाँ पे कि गाड़ियाँ कब उठ जाती थी, दिल्ली से उठ जाती थी, घंटों में पता नहीं चलता था उन सब गाड़ियों के टायर पार्ट्स वगैरह कहाँ चले जाते थे। वो मार्केट बंद हो गई। आपने इन पिछले गए बीते सालों में क्या आपने कोई भी दंगा, गुंडागर्दी, बहनों की सुरक्षा से लेकर के हर एक चीज़ पे देखा जाए, इवन मुसलमान वोटर जितनी भी बहनें हैं वो भी हमारे लिए प्रो हैं। किसानों का भी एक मुद्दा है पश्चिमी, अगर उत्तर प्रदेश में मैं घूम रहा हूँ, मुजफ्फरनगर भी गया हूँ, शामली भी गया हूँ, थोड़ा किसानों का मुद्दा भी लोग उठा रहे हैं, रोजगार का मुद्दा है जी। देखिए, किसानों के मुद्दे की अगर मैं बात कहूँ, जो MSP की बात रही, जो MSP का लॉ लाया गया था वो हमारी जनता ने, हमारे किसान भाइयों ने स्वीकार नहीं किया, बट वो उनके फ़ायदे के लिए था। आज नहीं, आज से 10 साल बाद उनको इस चीज़ का एहसास होता, क्या ये हमारे रियल में किसान हैं जो बैठे हुए थे? हम सब जानते हैं इस बात को, रियल में जो किसान होगा वो अपना खेत छोड़कर आएगा क्या कहीं? आपको लगता है ये बात? तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में कहीं भी जो हमारे एक्चुअल में किसान भाई लोग हैं वो हमारी सरकार के साथ ही हैं और उनके फेवर के लिए ही मोदी जी काम करने पे लगे हुए हैं, तो इसमें कोई दोमत है ही नहीं। थोड़ा बहुत देखिए, इन पिछले गए बीते 7 सालों में प्रधानमंत्री जी ने जितना भी चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करी है, ये आज नहीं, मैं संतोष जी आज मैं आपको ये बात कह रही हूँ, आज से 20 साल बाद आप इस चीज़ को कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने जो चीज़ें करी आज तक ना ऐसा कभी हुआ था ना आगे कभी हो पाएगा, ये सिर्फ इनके ही नेतृत्व में ये चीज़ें हो सकती हैं। एक ऐसे भी कहा जाता है कि भाजपा जो है वो राम मंदिर का मुद्दा उठा रही है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा उठा रही है, हिंदू मुस्लिम वो पोलराइजेशन करके हिंदुओं का वोट जुटा रही है, ऐसा थोड़ी सी टीका टिप्पणी हो रही है, तो आपकी राय उसमें क्या? देखिए, मैं इस चीज़ पे कहूँगी कि हिंदू धर्म जो है वो सनातन धर्म है, इसमें सभी लोगों का, हम हिंदू आज अपने ही धर्म को 4 बातें कहते हैं बट शाम को आकर के वापस से हम अपने ही घर बैठते हैं, उसमें कोई दोमत नहीं है, पर ऐसा लोगों के अंदर भाव बनाने की जो चीज़ें रखी गई हैं, जो ऐसे एलिमेंट्स हैं समाज में जो घूम रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहना है, ऐसा हम तो कहीं कहने नहीं जा रहे। आपको क्या कभी ऐसा लगा कि हम कहीं इस चीज़ को कहने के लिए जा रहे हैं? और बाकी सनातन धर्म है, सब लोग मोस्ट वेलकम है, ऐसा मुझे तो कहीं नहीं लगता कि पोलराइजेशन है किसी भी प्रकार। रियल जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि पिछली जब विधानसभा बनी थी उसमें 304 सीटें बीजेपी की थी, इसमें कितने सीटें आएगी? जी देखिए, इस बार भी हम जहाँ तक है 300+ ही रहेंगे, ऐसा हम मान कर चल रहे हैं। मन क्या कहता है? मन भी यही कहता है, क्योंकि हमारी पार्टी है और हम अपनी जी जान से लगे हुए हैं, सभी लोग इतने दिन से यहाँ कार्य करने में लगे हुए हैं, सो पूरी कोशिश है कि पार्टी 300+ जाए। धन्यवाद प्रियाल जी, या होते आप प्रियाल भारद्वाज। मेरठचं वातावरण काही जरी असलं तरी भाजप कार्यालयामध्ये तिथल्या पदाधिकाऱ्यांना मात्र खात्री आहे की मेरठची सीट आणि एकूणच UP पुन्हा एकदा 300 पुढे जागा मिळतील। संतोष शाळीग्राम, सकाळ, मेरठ। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।